Hi everyone, welcome to my channel. Today I'm here with some of my favorite products from one of my favorite brand called Sadhev. Sadhev is a luxurious Ayurvedic brand and I really like this brand. Why do I love this brand? You will see in this video. So please keep on watching. मैं आप लोगों से मेरे कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट की रिव्यू करूंगी और साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट्स को भी रेकमेंड करूंगी जो भी मैंने ट्राई किए होंगे। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आई विश सदैव वॉचेस दिस वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं बॉडी के ऐसे क्लेंजर्स से। ये सोप लिया है मैंने सदैव का, वेटिवर एंड चॉकलेट नर्सिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सोप। इसकी प्राइस है 595 रुपीज। दिस इज़ वेरी नाइस नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग सोप। इट फाइट्स साइंस ऑफ एजिंग, इट फाइट्स एक्ने एंड ब्लेमिशेज, इट एक्सफोलिएट्स द स्किन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज नेचुरल एंड आयुर्वेदिक। आई फाइंड दिस सोप सो मच काम, नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग द स्किन एंड इट गिव्स सिल्की टेक्सचर टू द स्किन। दिस सोप इज रियली गुड फॉर एजिंग स्किन। इट हैज चॉकलेट इन इट विच मॉइस्चराइजेस ड्राई स्किन एंड इट हैज रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज टू दैट हील्स द स्किन, इट reduces blemishes, fine lines, acne and dryness. This is a very healthy soap and I really love how fragrant is it. This soap has high collagen content in it that removes fine lines and wrinkles. It has aloe vera gel in it that has antioxidants and enzymes, vitamin A and C. You can definitely have this soap. Moving on to the next soap, I'm going to recommend you guys Sadhev Sandal and Saffron Depigmentation and Detanning Soap. Beautifully fragrant soap. I really enjoy this aroma. This soap is about to finish now and इस soap को मुझसे ज़्यादा मेरे husband ने use किया है और उन्हें बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ अच्छी लगती है, तो that's a very good thing. Unlike that previous soap, ये moisturizing तो नहीं है, in fact ये बहुत ही deeply clean करता है, तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये उसे एक्स्ट्रा ड्राई कर सकता है, बट इट इंस्टेंटली मेक्स योर स्किन लुक मोर रेडियंट एंड ग्लोई। इट हैज सो मेनी ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट्स इन इट लाइक सैंडलवुड विच इज नोन फॉर इट्स एस्ट्रीजेंट एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दैट एक्सफोलिएट्स स्किन, रिड्यूस एक्ने, रिमूव सन टैन एंड फाइट साइंस ऑफ एजिंग। इट हैज सैफ्रन इन इट विच इज ए स्किन लाइटनिंग एजेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सोप फेस के लिए तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट आप इसको एज ए बाथिंग सोप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इससे बच के रहिएगा और ऑयली स्किन वाले इस सोप को बहुत इंजॉय करेंगे एंड डीपिगमेंटेशन वाला भी इफेक्ट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रिकमेंडेशन, आई एम शोइंग यू गाइज माई फेवरेट सदैव रोज वाटर। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट रोज वाटर। आप सब लोगों ने बल्गेरियन रोज वाटर की बहुत सारी तारीफें सुनी होंगी या फिर खुद एक्सपीरियंस किया होगा, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, बट एक बार आप इस इंडियन रोजेस से बने हुए रोज वाटर को ट्राई करिएगा। ये बहुत ही माइल्ड और बहुत ही सेफ 100% ऑर्गेनिक एंड स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर है। दीज इंडियन रोजेज आर कॉल्ड सेंटिफोलिया रोजेज। दे से इंडियन रोज पेटल्स कंटेन सुगर एंड नेचुरल ऑयल्स दैट ट्रैप मॉइस्चर इन द स्किन। This can be very nice and mild facial toner for every skin type. आप इस रोज वाटर को कई तरीक़ों से यूज कर सकते हैं। First as a facial mist, आप इसे टोनर की जैसे यूज कर सकते हैं, आप इसको किसी फेस पैक में मिला के यूज कर सकते हैं, आप मेकअप सेटिंग स्प्रे जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं। इस रोज वाटर के 150 ml का प्राइस है 895 रुपीज़ और इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। ये डार्क ग्लास बॉटल पैकेजिंग में आता है जिसकी मैट फिनिश है और इसका पंप बहुत अच्छा है। मैं इस रोज़ वाटर को सभी को रेकमेंड करती हूँ। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं दिखाने वाली हूँ, ये है सदैव का कुमकुमादि तैलम, जो कि मार्केट में अभी इतना ज़्यादा फेमस तो नहीं है, बट आई एम श्योर कि जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द ओल्ड इंडियन रेसिपी, कुमकुमादि तैलम शुड बी फॉर्मुलेटेड विद 21 to 29 इंग्रेडिएंट्स। आई मीन दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड एंड दिस कुमकुमादि तैलम हैज मोर देन 26 इंग्रेडिएंट्स इन इट एंड द मेन इंग्रेडिएंट इन दिस ऑयल इज सैफ्रन। सदैव कुमकुमादि तैलम कंटेन्स काउज मिल्क, नॉट गोट मिल्क। This oil contains 76% cow's milk and 0.15% saffron. Now let me tell you guys my personal experience with this. This is my second Kumkumadi Tailam.
My first Kumkumadi Tailam was from another brand that I don't want to mention here. My experience with this oil is quite pleasant. My skin is highly acne prone, but it did not break me out. It deeply hydrates the skin. It makes my face so much glowy in the morning. If you want to start with Kumkumadi Tailam, this is the Kumkumadi Tailam for you. In future, I'll surely make a comparison video with this Kumkumadi Tailam. My next recommendation from this brand is this शावर ऑयल. इट्स द कोकोनट शावर ऑयल. अगर एक बार आपने इस शावर ऑयल को इस्तेमाल कर लिया, फिर आपको कोई भी शावर ऑयल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा. इसकी बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, और जब आप इसे नहाएंगे तो आपको वो लग्जूरियस महारानी वाली फीलिंग आएगी. इसमें मेनली कोकोनट ऑयल है, और उसके साथ आंगन ऑयल है, सनफ्लावर सीड ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, और ये सारे ऑयल्स मिलकर इसको बहुत ही लग्जूरियस और हाइड्रेटिंग शावर जेल बनाते हैं. ये शावर जेल मैंने विंटर्स में लिया था, जब कोई भी शावर जेल या सोप मेरी स्किन को हाइड्रेट नहीं कर पा रहे थे और भी ज़्यादा ड्राई कर रहे थे, तब मैंने इसको लिया था. और इट रियली सर्व द पर्पज. इसकी प्राइस है 300 rupees फॉर 75 ml, और इसकी कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी है एकदम ऑयल की जैसी. दिस इज अ मस्ट हैव प्रोडक्ट फ्रॉम सद्धेयु. माई नेक्स्ट पिक फ्रॉम दिस ब्रांड इज दिस नेचुरल लिप बाम. यू हैव टू पे 595 rupees फॉर 5 grams ऑफ प्रोडक्ट. द फॉर्मूला ऑफ दिस लिप बाम इज डिफरेंट. इट्स क्वाइट लाइट वेटेड लिप बाम. इट हैज कोकोनट ऑयल एंड बीट रूट इन इट. It really hydrates and moisturizes the lips for more than 6 hours. It claims to lighten discoloration of the lips, but I did not notice such things. It doesn't have any SPF, but it protects lips from sun damage, and this is natural and 100% Ayurvedic. I have used quite a lot of it, as you can see. ये हल्का सा टिंटेड लिप बाम है, और जो ये टिंट है ये लिप्स पे ज़्यादा देर तक नहीं रुकता है, बट लिप्स आपके काफ़ी देर तक हाइड्रेटेड रहेंगे. Overall, very nice lip balm. You can have it if you want. Now I'm going to show you guys last but not the least product of this video. ये सदैव का स्टार प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू मी. ये है नल्प मरादी तैलम. इस प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने इसको पहले ही रिव्यू कर रखा है. इसकी इंडिविजुअल रिव्यू कर रखी है मैंने वीडियो में. अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. इन शॉर्ट, ये एक मल्टीटास्किंग ऑयल है. ये स्किन की सारी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है. स्किन की चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, सन टैन हो, पिंपल्स हो, रिंकल्स हो, ड्राइनेस हो, स्किन एलर्जीज हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, ये उसको इमिडिएटली ठीक कर देता है. ये एक फेस एंड बॉडी ऑयल है, जो कि प्री शावर ऑयल है. इसको आप नहाने के पहले लगा सकते हैं फेस पे या बॉडी पे. ये एक ऐसा ऑयल है जो बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, आपको बहुत वेट नहीं करना होता. दिस प्रोडक्ट इज़ अ रियल चैम्प फॉर मी. You can definitely have this product. So these are my personal and honest recommendation for you guys. I hope you found this video informative and helpful. Please do let me know in the comment section. I see you soon in my next video. Till then, stay beautiful. Bye.